कश्मीर आने से पहले बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी मेरे दिमाग में कि कितनी सेफ्टी होगी यहाँ पे, क्योंकि जगह जगह आर्मी पर्सनल है. दिस इज़ द मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द वर्ल्ड. बट कॉन्ट्रेरी टू माई बिलीफ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही पीस है, लोग बहुत अच्छे हैं. इस वक्त हम स्टेशन के बाहर बैठ के पत्ते खेल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन में अभी एक और घंटा है. 1:08 हो रहे हैं और हम चढ़ गए हैं ट्रेन पे बनिहाल के लिए. बहुत ही ज्यादा खचाखच भरी हुई है ट्रेन. कैसा है रास्ता भाई जान, आप बताइए. बढ़िया, अच्छा, खूबसूरत. जन्नत कश्मीर है, मजा तो आएगा. यस, एंजॉय होगा पूरा. वेरना गया मजमू. आप वेरना जाओ. आप वेरना गए? नहीं नहीं. आप वेरना जाओ. ठीक है, वेरना चलते वहाँ पे. ठीक है, वेरना चले. भाई जान, मेरे नाक में देखने के लिए क्या है? बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए. चश्मा है. चश्मा? हाँ, बाग है. बाग है जी. भाई जान, ये क्या है, क्या ये? ये मेरे नाक है. मेरी नाक जी. यहाँ से नेचुरली पानी बना. और रंग कैसा इसका? काले नहीं होता है. अच्छा, निकल कहाँ से रहे? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नेचुरली हो रहा है. नीचे से? नीचे से जी. कम नहीं, कभी भी कम नहीं हुआ. बंडीपोरा पहुंच चुके हैं. यहाँ से हमें जाना है डीसी ऑफिस, जहाँ पे हमें मिलेगी परमिशन गुरेज जाने के लिए. मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो वहाँ जाके पता लगेगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट. तो हम डीसी ऑफिस गए थे परमिशन लेने के लिए. हमें जाना था पीए के पास, बट पीए साहब वहाँ पे नहीं थे, तो हमें भेज दिया गया एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के पास. और क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे. परमिशन तो छोटी बात है, पहले उन्होंने हमें चाय पिलाई, सम बिस्किट्स एंड स्नैक्स, एंड फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया और हमें बताया कि कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं. ऑल ऑफ दैट, इट वॉज़ अ वेरी हार्ड वार्मिंग एक्सपीरियंस. बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे कश्मीरी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में. इतने वार्म कैसे हैं, कैसे, आफ्टर सीइंग सो मच, इट्स जस्ट बैफल्स मी. जिस जगह पे मैं इनएडवर्टेंटली पहुँच गया, अश्वतु, इज़ लाइक अ हिडन जेम. यहाँ पे लोग नहीं हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत कम है, मगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने बहुत अमेजिंग हट्स बनाए हुए हैं. बहुत अमेजिंग होटल टाइप का एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आपको अच्छे कमरे मिल जाएंगे और एकदम नदी के साथ है. यू कैन हेयर द रोरिंग रिवर गोइंग बाय. टूरिस्ट के लिए हमारा सफर शुरू हो चुका है. 4 घंटे लगेंगे जनाब. पहले आएगा द्रागबल. द्रागबल आएगा रास्ते में, जहाँ पे एक होटल है. द्रागबल के बाद आएगा पीर बाबा. पीर बाबा, पीर बाबा के बाद आएगा राजदान टाप. अच्छा, राजदान से फिर नीचे जाना है. यहाँ से 45 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, 45 किलोमीटर डाउन होना है. अच्छा, त्रागबाल नाम की जगह पे पहुंच गए हैं. यहाँ पे चाय पानी के लिए गाड़ी रुकेगी 15 मिनट टू फ्रेशन अप एंड देन यू बैक ऑन द ट्रैक. बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, पेड़ों से भरा हुआ है और ऊपर से बांडीपोरा का क्या व्यू आता है, अमेजिंग. हिमाचल को पीछे छोड़ रही है जगह, बहुत बहुत पीछे. फाइनली मैं पहुँच गया हूँ गुरेज वैली में, डावर नाम के गाँव में. और फिलहाल मैं जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज़म हट में हूँ, जो इन्होंने ऑफिशियल जगह बनाई हुई है यहाँ पे. देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से इस जगह की खूबसूरती को जस्टिस कर पाऊँ. इवन इफ 10% आई थिंक वो बहुत होगा. गजब की जगह, मज़ेदार. वाओ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ, आप बाहर गए कभी गुरेज या कश्मीर से? मैं इस साल गया था गुजरात तक. अच्छा, कैसा लगा आपको वहाँ? गर्मी थी. वहाँ गर्मी है. हाँ. आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यही. मैं दिखाऊँगा. इनका नाम है फारूक जी. हाँ जी, हमें रास्ते में मिल गए थे तो हमारे साथ सैर करते करते हमारे साथ मजगुंड आ गए हैं. मजगुंड आ गए. ये ब्रिज हिल रहा है, ये देखिए, और इसके नीचे से बह रही है किशनगंगा नदी. बहुत ही खूबसूरत फ्लो के साथ चलती हुई. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक. बडवाब से गुजरान तक जाएगी एक स्कूल बस, और उस स्कूल बस में हमें चढ़कर गुजरान तक पहुंचना है, जहां से चकवाली कह रहे हैं कुछ 2 किलोमीटर दूर है, जो हम चल के करने वाले हैं. तो इस बस में बैठना बहुत ज़रूरी है मेरा. अगर मैं नहीं बैठ पाता तो ये मिस हो जाएगी और फिर मुझे नहीं पता मैं कब पहुँच पाऊँगा चकवाली. लास्ट विलेज बिफोर द बॉर्डर. मज़ा आने वाला है.
देवियों सज्जनों, मैं पहुंच चुका हूं लास्ट पोस्ट पे और यहां से पाकिस्तान बहुत पास है, इतना पास है कि मैं यहां से देख सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस इससे आगे नहीं जा सकते। चकवाली गांव में मुझे चाय पीने को मिली, उन्होंने कुछ स्नैक्स भी दिए और यहाँ का देसी घी मैंने पी। ये भी मुझे चाय ऑफर कर रहा है, बड़े कमाल के लोग हैं।